सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल पासवान गेमिंग। इनमें आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं कौन है वीडियो। अब देखो भाइयों, बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि यार उनको ये चीज नहीं पता कि उनको स्क्वाड में बीआर पुशिंग करनी चाहिए या फिर सोलो में। तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि आपको बीआर में रैंक पुशिंग करनी चाहिए या फिर सोलो में। पर गाइस, ये सब बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, कम से कम एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूं यार। प्लीज वीडियो में आ ही गए हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लेना। और एक सेकंड यार, बहुत सारे भाइयों का जो कि अभी न्यू सब्सक्राइबर बने हैं उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि ये तो खुद हीरोइक पे है, ये हमें ग्रैंड मास्टर जाने की टिप्स एंड ट्रिक क्यों दे रहा है। अब देखो भाइयों, मैं हर वीडियो में ये चीज बताता रहता हूँ, पर आज भी बता ही देता हूँ इस वीडियो में भी कि भाई अपने बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर है उन्हें भी तो पता चले कि भाई हम ग्रैंड मास्टर गए हैं कि नहीं। अब गाइस, आप लोग ही अपनी आंखों से देख लो कि मैं लगातार कितने सीजन से ग्रैंड मास्टर करते आ रहा हूँ और भाई पिछले सीजन 30,000 प्लस स्कोर ले गया था मैं। बढ़िया था। अब देखो, इसके प्रति आपको भी ये चीज माननी होगी कि जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊंगा वो एकदम सच होगी और मेरी एक्सपीरियंस द्वारा बोली गई ट्रिक्स होगी। तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज़ आप लोग अगर जो वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो कैसे समझोगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो भाई लोग, अगर जो आप सोलो पुशिंग करते हो तो आपको एक चीज सबसे बेस्ट मिलती है, वो है आपको एक चांस मिलता है मरने के बाद जीने का, वो भी एक मिनट के अंदर आप जितने चाहे उतने किल निकाल सकते हो। सो गाइस, वो चांस प्लीज मत वेस्ट किया करो, बिकॉज हम देखो ब्लू जोन पे उतरे हैं। सीरियसली गाइस, जिस घर में उतरा था वहां पे एक बंदा भी उतरा था और मेरी इतनी फूटी हुई किस्मत थी कि भाई जिस घर में मैं आता हूँ वहाँ पे लॉन्च पैड के लॉन्चर के अलावा बाकी मुझे और कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि दूसरे घर में जाते ही जरूर बंदा मिल जाता है जो कि पीछे से निपटा देता है मुझे। पर गाइस, ना मैं उसे किल लेने देता हूँ बल्कि उसे भी मार ही देता हूँ, बट किल भले मेरे नाम नहीं आता। अब देखो यहाँ पे मुझे एक चांस वापिस से मिलता है। अब भाई इसके बाद मेरे को एक भी चांस नहीं मिलेगा तो मुझे यहाँ बहुत सेफ्टी के साथ गेम खेलना पड़ेगा। अब देखो, मैं जिस जगह उतर रहा था वहाँ पे मेरा सप्लाई क्रेट था। भाई आप लोग सोलो बीआर पुशिंग कर रहे हो या फिर स्क्वाड बीआर पुशिंग कर रहे हो तो भाई मेरा तो एक ही रिकमेंड है, आप लोग भी सप्लाई क्रेट मतलब ये जो है सीक्रेट क्लू उसे यूज करो यार, बिकॉज ये सीक्रेट क्लू के द्वारा आपको टोकन्स भी मिलते हैं, मेडिकिट भी मिलती है, लॉन्च पैड भी मिलता है भाई, मिनी लॉन्च पैड, और गाइस यहां तक आप लोगों को एक गन भी दी जाती है जो कि उतनी खास नहीं है, बट आप उससे बंदे तो मार ही सकते हो क्योंकि सोलो गेम में एक ही बंदा होगा, कौन से चार आप पे रस मारेंगे। और देखो भाई, लूट की बात रही तो हमें पास वाले घरों में से ही मिल जाती है। अब भाई बंदों की बात रही तो बंदे भी मिल जाते हैं। अब यहां पे मेरे पास गाड़ी होती है आसपास भी तो मैं गाड़ी लेके भागता, ना कि फाइट लेता, बल्कि यहां बंदे पास में है और पास आसपास में मतलब गाड़ी भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मेरा किल भी नहीं है, जो तो मुझे किल करना पड़ेगा, सोलो गेम खेल रहा हूँ और यहाँ बिना किल के आपका प्लस नहीं होगा, तो भाई किल करने के लिए मेरे को शांति से आगे जाना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि भाई दो बंदे एक दूसरे में फाइट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक तो निपट ही गया होगा, दूसरे की एचपी डाउन होगी, और ऐसा ही होता है। ये बंदे की एचपी कम थी जिसे मैं ड्रैगनों से आसानी से मार देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, फायदा मैं उठा लेता हूँ। जहाँ पे दूसरे बंदे को तो ये मार दिया था, बट कोई बात नहीं, यहाँ कम से कम एक किल तो मिल गया, बिकॉज किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई लोग, मैं तो यही कहता हूँ, आप लोग एकदम से जब रश किया करो सोलो में, है ना भाई, जब पहला जो आपको चांस मिलता है ना भाई मर के आने का, तो उससे पहले ही भाई कम से कम दो किल तो निकाल ही लिया करो। मैं हर वीडियो में दो किल तो निकाल ही लेता हूँ, बट आज मैं यार उतरते ही मर गया, किस्मत फूटी थी मेरी, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना एक किल हो चुका है। और भाई अभी मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे सबसे पहले गाड़ी ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो लास्ट जोन में भी किल मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मुझे गाड़ी ढूंढना पड़ेगा। और ये चीज तो मैं जानता ही हूँ कि गाड़ी मिलने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बंदे ना दिखे, बंदे तो दिखेंगे ही, बट आपके पास अगर जो भाई टेक्निक है तो आप उनको आसानी से मार सकते हो, बिकॉज सामने की ओर मुझे गाड़ी मिल जाती है। मानता हूँ ये गाड़ी उतनी सेफ्टी वाली नहीं है, पर कोई बात नहीं, अभी तो यही मेरे लिए ज्यादा बेटर होगी। तो पहले तो मैं गाड़ी ले लेता हूँ, और गाड़ी की स्किल है नोटोरा है, तो मैं जोन के बाहर भी रहूंगा तो ओ भाई साहब सामने बंदा, और यहाँ पे काफी डैमेज दे दिया। भाई देखो, नोटेरा कैरेक्टर और गाड़ी की स्किल काफी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पहले तो मैं इसको निपटाता हूँ, साले को सामने ही है, और इसको मैं कंफ्यूज करूंगा अच्छे से, और ले भाई निपट। चलो गाइस, एक और किल, यहाँ कुल मिला के दो किल। और देखो, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीसा और नोटोरा कैरेक्टर के बारे में। अब देखो, मीसा कैरेक्टर जो होती है वो गाड़ी में आपको डैमेज ना पड़े उस लिए होती है, और नोटोरा इसलिए होती है कि आप जोन के बाहर हो, सर्वाइव कर रहे हो, तो आपको पहले दूसरे और तीसरे जोन में ज्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से पहले दूसरे जोन में तो आपको डैमेज ही नहीं पड़ेगा। यू आर राइट ब्रो। और देखो भाइयों, अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को भी, आप लोग अगर जो सोलो रैंक पुशिंग करते हो और आपको जोन के बाहर ज्यादातर रहना पसंद है, तो आप ये कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यार ये जोन के बाहर आपको एचपी देंगी तो आपका मतलब इसकी उतना जल्दी कम नहीं होगा, ना कि यार आपको जोन से ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो यहाँ पे तो मैं के कैरेक्टर मीसा, नोटोरा और भाई सबसे अपना वो वाला कैरेक्टर, सॉरी सोनिया, यही चार कैरेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ जो कि सबसे बेस्ट कैरेक्टर है मेरे हिसाब से सोलो रैंक पुशिंग के लिए। बाकी आप लोग को जो कैरेक्टर पसंद है आप लगा सकते हो। और यहाँ पे पास में ही मेरा सप्लाई क्रेट था, तो जल्दी से चलते हैं उसको पहले उठाते हैं
और यहाँ पे मेरे को एक और लॉन्च पैड मिल जाएगा और उसी के साथ काफ़ी अच्छी खासी मेडिकिट मिल जाएंगी। अब देखो मेरे को है ना भाई, जो मतलब बड़ी मेडिकिट होती है ना उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद है। काहे कि क्योंकि भाई छोटी मेडिकिट लास्ट जोन में बहुत कम एचपी देती है और जोन के बाहर तो आप तो भाई एचपी कितनी देती है वो तो आपको पता है, 50-60 HP देती है। बल्कि जो बड़ी मेडिकिट होती है ना वो भाई कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही देरी के अंदर आपकी फुल एचपी कर देती है और आपको है ना मतलब एक तरीके से कहूँ हीलिंग बैटल के लिए सबसे ज़्यादा मतलब हेल्प करती है। अब देखो भाई, अब आप लोग ये सोचते हो या फिर गेम खेलते हुए ये ज़्यादा आप लोग नोटिस करते हो कि आपको जो मतलब सुपर मेडिकेट है वो बहुत कम मिलती तो है, तो चलो मैं आपको इसकी सीक्रेट भी बता देता हूँ कि आपको सुपर मेडिकेट कहाँ कहाँ से मिल सकती है और पूरे बिहार में मतलब पूरे इस जोन में आप कितने मेडिकेट सोलो रैंक में क्लाइम कर मतलब कलेक्ट कर सकते हो। तो देखो पहला तो आप सप्लाई क्रेट ले लो, मतलब सीक्रेट क्लू कि भाई आपको पर मतलब जितना भी आप सीक्रेट क्लू लूटोगे तो उसमें से मिनिमम एक सुपर मेडिकेट तो मिल ही जाती है हर एक सप्लाई क्रेट में, और बाकी की मेडिकेट्स आप लोगों को ऐसे ड्रॉप में मिलेंगी जैसे कि भाई ड्रॉप गिरता है तो उसमें मिनिमम एक से दो मेडिकेट्स होती हैं। बल्कि आप जो ये मतलब बड़ा वाला जो ड्रॉप होता है उसे जो चार्ज ड्रॉप करते हो मतलब इसे जितना ज्यादा चार्ज करोगे इसके एंड में आपको दो मेडिकेट मिलती है वो भी बड़ी वाली सुपर मेडिकेट। पर गाइस ये जो चार्ज वाला ड्रॉप रहता है ना भाई इसे लूटने में काफी रिस्क रहता है। अब देखो यहाँ मैं ड्रोन तो उड़ा देता हूँ फिर भी यहाँ पे बंदा आ ही जाएगा, जो कि भाई मुझे पहले लगा था देखो सामने की ओर देख के लगा कि शायद बार बाइक होगी, पर भाई फिर ये बंदा एकदम से डैमेज देने लगा मुझे, तब पता चला भाई ये तो एनिमी है। और भाई ये डैमेज देके तुरंत रस मार रहा था, उससे पहले ही साले का खोपड़ा उड़ा दिया। और इसी के साथ एक और किल कर लेते हैं, तो 3 किल अपने हो चुके हैं। और गाइस अभी तो हम मेडी कलेक्ट करके ही जाएंगे बिकॉज लास्ट जोन में हमारे को कम से कम 10 मेडिकेट सुपर मेडिकेट तो हो ही जाएंगी। अभी तो और बंदे को मारते हैं तो उनमें से भी कई सारी सुपर मेडिकेट मिल जाती हैं, तो भाई कभी कभी तो 15-20 मेडिकेट भी क्लाइम कर लेते हैं, वो तो एमओ हटा के मतलब बैग में आ जाती हैं। बाकी अब जो आप लोगों को देखना है कि मतलब मैं कितनी हाईएस्ट मेडिकेट क्लाइम कर सकता हूँ मतलब सुपर मेडिकेट पूरे बीआर रैंक में, तो भाई मैं इसके ऊपर पूरी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, बस आप लोग भाई मतलब कमेंट करके बता दो। और भाई 2 मेडिकेट तो अपने को इस मतलब ये जो होता है टनल में, प्यार से बोलता हूँ, इस गुफा में से आपको 2 मेडिकेट और एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सुपर मेडिकेट पड़ी, तो मैं जल्दी से अपनी छोटी मेडिकेट्स और कुछ बहुत एमओ फेंक के इसको उठा लेता हूँ, और यहाँ से मुझे एक और मतलब 2 मिल गई हैं मेडिकेट्स। तो यहाँ कुल मिला के 8 मेरे पास सुपर मेडिकेट्स हो गई थी। और यहाँ पे देखो पहले तो मैं गाड़ी पकड़ के भागने की कोशिश कर रहा था बिकॉज जोन के अंदर जाके कोने कोने से किल करना था मुझे, अभी भी और किल करने थे, पर यहाँ एकदम से फायरिंग आने लगती है। तब गाइस मुझे सामने की ओर एक बंदा दिखता है जिसे ड्रैगनों से थोड़ा सा डैमेज पड़ने के बाद ये एकदम से अपने आप को पैक करने वाला था, बल्कि जैसे ही अंदर आता है ये भाग जाता है। कोई बात नहीं, डिमेट्री वेस्ट कर दिया, अब सोनिया ही बनने वाला है और लो खत्म। भाई ये देखो इसी के साथ एक और किल, अब भले ही मैंने पहले चांस में किल ना कर पाया हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे गेम में ही किल नहीं कर पाऊंगा या सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, बल्कि यहाँ तो मैं सर्वाइव भी कर रहा हूँ किल भी कर रहा हूँ। और यहाँ कुल मिला के 4 किल हो गए मेरे, और भी किल के लिए अभी मैं रवाना हो रहा हूँ बिकॉज अभी भी 11 बंदे अलाए हुए हैं, मतलब 10 बंदे अलाए हुए हैं और जोन काफी छोटा होने वाला है, तो मुझे जोन के साथ साथ चलना पड़ेगा। और किल करने के लिए भाई मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे बंदा भी मिल जाता है जिसे मैं सोनिया बना देता हूँ। बट ये क्या, ये तो पैक हो रहा है यार, ऐसा नहीं हो सकता, डिमिट्री भी ऑन कर लिया, चलो ग्रेनेड कुक करके फेंकते हैं। वेट यार मैं तो कुक ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं डायरेक्टली ग्रेनेड फेंक रहा था, पर पीछे से कोई मुझे सोनिया बना देता है। पर भाई किल आने की वजह से मैं बच जाता हूँ और जल्दी से एक बड़ी वाली मेडिकेट मतलब सुपर मेडिकेट घिसने लगता हूँ, पर वो बंदा रस मार देता है। कोई बात नहीं, पहले तो मुझे भागने दो कवर की ओर। अबे ये क्या हो रहा है, वॉल गिर जा, अबे हट यार काफी डैमेज दे दिया, मुझे कवर की ओर जाने दो। और यहाँ से मुझे वॉल भी काफी मिल गई है तो मैं यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ। वो बंदा कंफ्यूज है, वो अभी मुझे फुल फिनिश करने की कोशिश में होगा, इसलिए मैं पीछे आ जाता हूँ। और भाई जोन भी आ गया है और मेरी एचपी भी कम है, और अब भाई जैसे जैसे जोन छोटा होता जाएगा तो और एचपी कम होती जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्या दिमाग दौड़ाता हूँ बिकॉज वो बंदा तो मुझे ढूंढ रहा होगा या तो वो भी भाग जाएगा। मेरे पास लॉन्च पैड है, थोड़ा सा वेस्ट करते हैं, बाद में मिनी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करेंगे। और रुको मैं अंदर आ गया, यहाँ पे भी मुझे लगा बंदा एकदम सामने आके मारेगा, बट यहाँ पे भी नहीं, मतलब वो जोन के अंदर भाग रहा है। और मेरे पास वेपन के नाम पे जो गन है वार वो खास नहीं चलेगी कि कुछ सबके पास 4 लेवल का वेस्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ से पहले तो M10 उठा लेता हूँ और इसे मैक्स कर देता हूँ। अब गाइस मैं जल्दी से भाई जोन के अंदर भागने की तैयारी में हूँ क्योंकि मेरी जो एचपी है वो बहुत जल्दी जल्दी जा रही है। वेट, अब यहाँ लॉन्च पैड लगाते हैं और जल्दी से जोन में चलते हैं। अब भाई यो मुझे डर इस चीज़ का है, जहाँ मैं लैंड नहीं करूँ वहीं पर ना बंदा दिख जाए बिकॉज मेरी एचपी काफ़ी चली गई है। और ऐसा ही होता है भाई, बंदा यहीं था भाई, बच गया, वो वही बंदा है मेरे से पहले जोन के अंदर आ गया, देख रहे हो
इसीलिए अच्छा हुआ मैं जोन के अंदर आ गया, ज्यादा वेट नहीं किया। अब देखो सामने वाले घर पे भी बंदा था और इसने यहाँ चार और लैंडमाइन लगा दिया था, तो पहले तो मैं एक लैंडमाइन को फ्यूज कर देता हूँ और बाद में ये बंदे की भाई मैं पोजीशन देख रहा था, पोजीशन तो नहीं मिली, बाकी सामने की ओर एक बंदा जो था वो मुझे जरूर दिख गया था। और अब भाई यहाँ पे मैं मतलब यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो रहा था, पर भाई काफी टाइम वेस्ट होने के कारण सामने से वो बंदा मुझे काफी डैमेज दे देता है। और भाई पहले तो मैं जो भाई वॉल के पास आने दो, ओपी बच गया। अब भाई दोनों तरफ से पड़ सकती है, मैं कंफ्यूज भी हूँ, एक मेरी किट घस के तुरंत से भाई घर के अंदर भागूंगा। और ये देखो ऐसा ही किया इसने, वॉल तोड़ने वाला फेंक दिया ना भाई। अभी वो बंदा भी दिख जाता है जो कि यहाँ चारों लैंडमाइन लगाया था, लैंडमाइन से मैं तो डैमेज हो जाता हूँ पर मैं भी काफ़ी उसे डैमेज दे देता हूँ, शायद भर वो अब एक ही गोली का था और ख़त्म हो जाता। पर यहाँ यार भाई मुझे जोन के अंदर भागना पड़ेगा, वेट यहाँ दोनों तरफ। अबे भाई छोड़ दे यार, भाई बच गया यार, ये बंदा दोनों तरफ है यार। भाई मेरे को एक मेडिकेट और दूसरी एक और लगा लेता हूँ, फिर जल्दी से यहाँ से लॉन्च पैड लगा के भागता हूँ, बिकॉज ये बंदा तो जोन में ही मर जाएगा, अभी तो वॉल ही तोड़ रहा है। तो यहाँ से मैं लॉन्च पैड लगाता हूँ, और भाई अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ भाई, दो बार तो मेरा भाई फेल हो जाता है। और अब भाई मैं जोन के अंदर लगा के भागता हूँ जल्दी से, और ये लो भाई जहाँ कूदूँ वापस से वहीं बंदा ना दिख जाए, बस यही चाहता हूँ। गाइस यहाँ पे बंदे तो नहीं, बट फुट स्टेप आ रहे हैं मेरे को, मतलब इस दीवार के पीछे बंदा हो सकता है, फुट स्टेप मुझे आ रहे हैं, बिकॉज मैं अपना जो साउंड है वो पूरी बढ़ा के खेल रहा था। और यहाँ पे देखो ये बंदा है, बहुत से ऐसे ही कैंपिंग किया करो तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा। ये लो भाई सोनिया बना दिया, अभी ख़त्म हो जा भाई, ख़त्म हो जा, ओपी ख़त्म हो गया। चलो यहाँ पे कुल मिला के आपके भाई के 6 किल हो चुके हैं और लास्ट के 3 ही बंदे रह गए। तो गाइस देखते हैं कि मतलब भैया हो पाता है कि नहीं, और यहाँ हो जाएगा, बिकॉज भाई इतना सर्वाइव करके लास्ट जोन तक आ गया और भैया छूट जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सामने की ओर फाइटिंग चल रही है, सही है, बंदा गाड़ी लेके घूम रहा है, उसको लग रहा है वो बच जाएगा। मानता हूँ अगर जो वो बाइक लेके मतलब घूमता होता तो शायद बार वो टॉप 2 तो कर ही लेता, पर वो बाइक नहीं कार से चल रहा था भाई, और उसके पीछे भी बंदा था। तो मैं जल्दी से उसको वॉल तोड़ता हूँ, बाकी यार किल तो हाथ से गवा बैठता हूँ, दूसरा मेरा किल चोरी कर लिया। छोड़ो गाइस कोई बात नहीं, बल्कि अब देखो ये जो मेरा लास्ट बंदा है जिसके 1v1 हो रहा है मेरा इतना लास्ट जोन में ना भाई, अब इसे मेरे को भाई जितना हो सके उतना दूर रहना है, उतना भी रस नहीं करना है, करना है पर थोड़ा लिमिट में रह के, नहीं तो भाई 15 मिनट का जो ये गेम प्ले है ना भाई वो कुछ ही क्षण में ख़त्म हो जाएगा, प्लस ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर जो भैया छोड़ गया तो। इसीलिए मैं यहाँ पूरी ट्राई करूँगा उसको मतलब कोई ना कोई तरीके से मारने की, बल्कि एकदम पास जाने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि अब वही कोशिश कर रहा है मेरे पास आने की। पर गाइस इस जल्दी जल्दी में मैं अपने आप को ही काफ़ी डैमेज दे दे रहा हूँ, और ये भाई ये गलत है। और भाई मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि वो बंदा मेरे पे रस मारे, जैसे ही वो रस मारेगा तो भाई वो अपना मतलब संतुलन खो बैठेगा और मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ साला अपने पे ही ग्रेनेड फेंक के, और यहाँ पे मैं अपने ही बॉल तोड़वा रहा हूँ, देख रहे हो। और वो बंदा मेरे पास आते जा रहा है, मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, यहाँ मैं अपने आप को मतलब स्थिर करके अब इसको मारने की कोशिश करने वाला हूँ। ये बहुत दिमाग दौड़ा है, बहुत मतलब एक्यूरेट प्लेयर है, देख रहे हो किस कदर से मुझे सोने बना दिया, बट वो ही सोने बन गया है। और यहाँ पे मैं पेक हो गए, डाउन तो हो जाता हूँ, पर भाई ड्रॉप लूटा था जिसकी वजह से मुझे इंजेक्शन मतलब मिल चुकी थी जिससे मैं रिवाइव हो जाता हूँ, और ये बंदा वॉल तोड़ रहा था और तभी मैं दूसरा वॉल डाल के बचा लेता हूँ अपने आप को। तो यहाँ पे अब भाई एक और जीवनदान मुझे मिला है, एक ही गेम में 2 बार जीवनदान मिला है मुझे। अब भाई ये बंदे को मैं कैसे भी करके मारूंगा अपनी पावर से भाई, अपने गेम प्ले से। अब भाई 1v1 कस्टम हो रहा है, समझ लो, यही समझ लो, क्योंकि वो काफ़ी देख रहे हो जिधर से मैं जा रहा हूँ उधर से तो वो आ जा रहा है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक गोली पड़ी, बंदे तेरी तो मैं पुंगे बजा दूंगा, एक ही गोली का और खत्म, कहानी हो गया भैया। चलो गाइस खत्म, ओके। अगर जो आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो कर लेना। और सब देखते हैं हमारा प्लस कितना हुआ है, और भाई यहाँ पे ये चीज दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो इतना सर्वाइव करने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों को 36 प्लस मिला, जो कि काफी है। तो गाइस बाय बाय, मिलेंगे एक और वीडियो में।